ये 31 जून का वीडियो है। उस दिन पटना में बीमा भारती ने पूर्णिया के निर्दलीय सांसद पप्पू यादव से मुलाकात की थी और उपचुनाव के लिए समर्थन मांगा था। हफ्ते भर सोच विचार के बाद पप्पू यादव ने रुपौली विधानसभा के उपचुनाव में बीमा भारती को समर्थन दे दिया है, क्योंकि हमारी आइडेंटिटी और विचारधारा कांग्रेस की है। हमारे लोग कांग्रेस के विचारधारा के साथ रुपौली में खड़े हैं। मैं पुनः एक बार रुपौली की जनता से हाथ जोड़ क्षमा मांगता हूं। यदि कभी भूल में गलतियां हुई होगी उसको क्षमा करिएगा और आप एक बार मेरे लिए अपनी बेटी के साथ खड़े। रुपौली में 10 जुलाई यानी परसों वोटिंग है और आज शाम को उपचुनाव का प्रचार थमने वाला है। उससे पहले पप्पू यादव ने अपने पत्ते खोलकर पूर्णिया की राजनीति में नया सामाजिक समीकरण खड़ा कर दिया है। लोकसभा चुनाव में पूर्णिया सीट से आरजेडी की उम्मीदवार बीमा भारती थी। इस सीट से पप्पू यादव कांग्रेस से चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन लालू यादव ने वीटो लगा दिया था, इसलिए पप्पू यादव को टिकट नहीं मिल पाया। नतीजा हुआ कि पप्पू यादव निर्दलीय चुनाव लड़े और जीते, जबकि आरजेडी की उम्मीदवार बीमा भारती तीसरे नंबर पर चली गईं। पूर्णिया लोकसभा चुनाव में पप्पू यादव को 5.5 लाख से ज्यादा वोट मिले। दूसरे नंबर पर रहे जेडीयू के संतोष कुशवाहा को 5,43,000 वोट मिले। आरजेडी की बीमा भारती तीसरे नंबर पर रही और मात्र 27,000 वोट मिले। अब सवाल यह है कि आखिर वो कौन सी सियासी मजबूरी है जिसकी वजह से पप्पू यादव ने उनकी सियासत को चोट पहुंचाने वाली बीमा भारती को समर्थन दिया। जेडीयू का कहना है कि पप्पू यादव ने लालू के सामने आत्मसमर्पण कर दिया है। अरे तेजस्वी यादव को राजनीति में औकात पूर्णिया में एहसास हुआ है। पहले नंबर पर आप रहे, दूसरे नंबर पर एनडीए रहा और नीचे से फर्स्ट की है रूप राष्ट्रीय महागठबंधन का उम्मीदवार। तो तेजस्वी यादव का राजनीतिक आत्मसमर्पण करवा लेते तो लोगों को इस बात का एहसास होता कि आप जो बोलते हैं उस पर कायम रहते हैं। अगर एक तरफा समर्थन किया तो इसका मतलब साफ होगा कि आप भी लालू परिवार के धौंस में आ गए। जिस रुपौली विधानसभा सीट पर उपचुनाव होना है वहां गंगोता जाति की संख्या सबसे ज्यादा करीब 25% के आसपास है। आरजेडी की बीमा भारती और जेडीयू के कलाधर मंडल दोनों इसी गंगोता जाति से आते हैं। कलाधर मंडल को जेडीयू ने पहली बार टिकट दिया है। बीमा भारती के पति अवधेश मंडल की छवि कुख्यात वाली है। पुलिस अभी हत्या के केस में मंडल को तलाश भी रही है। बीमा भारती 5 बार इसी रुपौली सीट से विधायक का चुनाव जीत चुकी हैं, लेकिन इस बार के लोकसभा चुनाव में उन्हें अपने गढ़ रुपौली में भी तीसरे नंबर पर रहना पड़ा। रुपौली विधानसभा में जेडीयू को 97,000, पप्पू यादव को 72,000 और बीमा भारती को सिर्फ 11,000 वोट मिले थे। 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में बीमा भारती जेडीयू के टिकट पर जीती थी, लेकिन लोकसभा चुनाव से पहले पाला बदल कर वो आरजेडी में आ गई। इसके बाद उन्होंने विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा देकर राजद के टिकट पर पूर्णिया से लोकसभा चुनाव लड़ा, इसलिए उपचुनाव हो रहा है।